शर्मा चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में आपको एडवांस अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी 2022 के लिए। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो और आप बीकॉम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। अब एडवांस अकाउंटिंग सबको हार्ड लगती है, ये हार्ड नहीं होती है और इस बार तो 50% कोर्स हो चुका है तो ये बहुत इजी हो चुका है आपके लिए। तो अब मैं आपको यही बोलूँगी, आप इसी साल इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये चांसेस नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूँ कि यूनिट नंबर फर्स्ट में दो चैप्टर है, पहला चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट, दूसरा है ब्रांच अकाउंट। इसमें क्या होता है, मोस्टली 2-3 ईयर्स से क्या हो रहा है, रेगुलर क्या आ रहा है, दोनों से प्रैक्टिकल आ रहा है, डिपार्टमेंटल अकाउंट से भी आ रहा है और ब्रांच अकाउंट से भी आ रहा है। तो जिन स्टूडेंट ने ब्रांच अकाउंट अच्छे से किया है तो उन्हें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट के प्रैक्टिकल अच्छे से करना है और इससे थ्योरी नहीं आएगी। तो अगर जो स्टूडेंट थ्योरी कर रहा है वो ब्रांच अकाउंट से थ्योरी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें से थ्योरी नहीं आएगी। और डिपार्टमेंटल अकाउंट लगातार प्रैक्टिकल आ रहा है तो इस बार चांसेस है कि थ्योरी भी आ जाए, पर प्रैक्टिकल के भी चांसेस है। 60% आपका प्रैक्टिकल आएगा ऐसे समझ की जाइए और थ्योरी आपका 40% आएगा। अगर देखो, अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंट उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिन्होंने अभी तक स्टडी बिल्कुल भी नहीं करी है और उन्होंने कर भी लिया है, जिन स्टूडेंट ने कर भी लिया तो भी आप ये वाला चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट करके जाइए। ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसकी थ्योरी भी 2 पेज की है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, ये बुक है, ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट के, इसमें ओनली 4 पेज की थ्योरी है। पहला पेज ये है पूरा, ठीक है, सेकंड पेज आपका ये है यहाँ से यहाँ तक, थर्ड पेज आपका यहाँ से यहाँ तक है ओनली, और फोर्थ पेज मतलब यहाँ तक आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डिपार्टमेंटल अकाउंट से प्रैक्टिकल भी करके जाओ प्लस इसके साथ थ्योरी भी करके जाओ। तो मतलब डिपार्टमेंटल आपको करना ही है। अगर आप थ्योरी भी करके जाती हो तो भी आप डिपार्टमेंटल अकाउंट करो, और प्रैक्टिकल के बेसिस पे जाती हो तो भी आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट करना है। और ब्रांच अकाउंट उन स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने पहले पढ़ लिया है ब्रांच अकाउंट, ठीक है, उन्हें बिल्कुल नहीं करना है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि इससे क्या है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है और आपसे अब कवर नहीं हो पाएगा 15 डेज के अंदर। अब फर्स्ट यूनिट आपको समझ में आ गई। सेकेंड यूनिट में एक क्वेश्चन आपका थ्योरी आता है और एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल हमेशा रॉयल्टी से आता है, कन्फर्म है ये, क्योंकि जब से रॉयल्टी वाला चैप्टर ऐड हुआ है आपकी बुक में तब से रेगुलर अभी तक का रिकॉर्ड है कि इस चैप्टर से प्रैक्टिकल ही आया है। अगर थ्योरी आती है तो उसमें ओनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। अगर आप करके जाना चाहते हो तो एक ये छोटा सा थ्योरी भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि रॉयल्टी से वैसे प्रैक्टिकल ही आता है। अब रही बात थ्योरी की, थ्योरी कौन से चैप्टर से आती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आती है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, ये तो आपको याद करना ही है अगर आप थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप क्या समझते हो, ठीक है, ये तो आपका आएगा क्वेश्चन। अब इसके आगे आपको या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या मीनिंग पूछ लेगा या इनकी एंट्रीज पूछ लेगा, इनका ट्रीटमेंट पूछ लेगा। ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये रिपीटेड हुए हैं 2-3 सालों में, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ ये मे भी आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके जा रहे हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करना है। अगर इसमें से हमेशा 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, एक सेकेंड क्वेश्चन ये वाला। अगर ये 2 क्वेश्चन कर जाते हो आप अगर 2 क्वेश्चन कर जाते हो आप ये, तो आपका इस यूनिट में आपका थ्योरी अटकेगी नहीं, आप आराम से पास हो जाओगे। तो आपको मैंने क्या बताया, पहले आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट करना है, इसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। दूसरा मैंने बताया कि अगर आप थ्योरी करके जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट की ये 2 क्वेश्चन करके चली जाइए, आपको 1 क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। और रॉयल्टी उन स्टूडेंट को करनी है जिन्हें प्रैक्टिकल आता है रॉयल्टी का, ठीक है, क्योंकि
प्रैक्टिकल के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने उन्हें 100 मार्क्स चाहिए, तो वो 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप रॉयल्टी ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि इस बार भी क्या आएगा, प्रैक्टिकली आएगा। और देखो, अगर आप इलस्ट्रेशन स्ट्राइक वाला करके जाते हो, जितने भी स्ट्राइक वाले इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रॉयल्टी के क्वेश्चंस में, तो स्ट्राइक वाला ज़रूर करके जाना। अब यूनिट नंबर 3, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर यूज़फुल बहुत है, तो आपको ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और लास्ट तक प्लीज़ देखना, ठीक है। अब यूनिट नंबर थर्ड में कभी कभी प्रैक्टिकल आ जाता है, पर मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या आता है इसमें, थ्योरी आती है। और जो थ्योरी आती है वो कौन सी आती है, व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या है, इससे रिलेटेड आपको एंट्रीज पूछी जाती है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सब्सिडरी कंपनी क्या है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन कब आया था, 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, और 2021 में भी आया था। अब 2020 का मैंने पेपर नहीं देखा, इसलिए मैंने 2020 का कंफर्म नहीं किया इसमें, ठीक है। इसमें आपको, अगर आप थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। अब नेक्स्ट ऑप्शन में इसका आगे क्वेश्चन आता है, या तो आपसे इसमें कभी कभी प्रैक्टिकल पूछा जाता है, वो प्रैक्टिकल कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट से पूछा जाता है। अगर थ्योरी आती है तो ये आएगा, पर आपको प्रैक्टिकल का मैं इसका कन्फर्म नहीं बता सकती अभी। अब देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करके जाना है। प्रैक्टिकल कौन सा करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेकर 16 तक, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये वाले इलस्ट्रेशंस कर लेते हो, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप वहाँ कैपेबल हो जाओगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन 7 to 16 पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चैप्टर का। इसमें अगर थ्योरी आती है तो आपको थ्योरीज में इसकी एंट्रीज याद करनी है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो करना है। पर अमालगमेशन से मैं आपको यही बोलूँगी कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, आप इससे थ्योरी ही करके जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ में मैं यही बोलूँगी कि दोनों चैप्टर से आप क्या करके जाइए, प्रैक्टिकल करके जाइए, क्योंकि चांसेस इसमें ऐसा होता है कभी कभी दोनों में से ही क्या आ जाता है, प्रैक्टिकल आ जाता है। पर इन दोनों में से ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें हर साल प्रैक्टिकल आता है, वो है डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम का आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबसे छोटा आपका मैं बोलूँ चैप्टर है ये आपका, और इसमें भी मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सी मेथड्स का आएगा। जो सेकंड मेथड है डबल अकाउंट सिस्टम में, ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 5 to 16 वाले, अगर आप उन्हें कर जाते हो, सेम इलस्ट्रेशन आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, बस उसकी डिजिट अलग होगी पर लैंग्वेज पूरी वही होगी। तो अगर आप ये करते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर करना डबल अकाउंट सिस्टम, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना, ये आएगा ही। और वाइन लिक्विडेशन वाला थोड़ा लेंदी तो नहीं है, पर अच्छा चैप्टर है, अगर आप करके जाना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 to 14 करना, 16 करना। 16 को मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चंस मानो, मोस्ट इम्पोर्टेंट मानो, अगर आएगा तो इसमें से आ सकता है 16 वाला क्वेश्चन एज इट इज़। तो अब मैं लास्ट में यही बोलूँगी, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है पढ़ाई, तो आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। पहले मैं थ्योरी से स्टूडेंट, जो आप थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हैं, पहला मैं आपको बताऊंगी, पहली प्रायोरिटी है मेरी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अगर आप इस क्वेश्चन को कर जाते हो तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी है आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के दोनों क्वेश्चन करके जाइए, इसका मतलब क्या होगा, आपको मैंने दो क्वेश्चंस बता दिए हैं प्रैक्टिकल के। अब लास्ट है, एक लास्ट यूनिट में आपको बोलूँगी, अगर आप थ्योरी भी करके जा रहे हो तो प्लीज़ डिपार्टमेंटल अकाउंट का प्रैक्टिकल ज़रूर करके जाइए, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल आएगा। और इसमें बनाना क्या है, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पी एंड एल अकाउंट बनाना है, बस यही बनाना है। एक बार आप ज़रूर देख के जाना, आपको आ जाएगा समझ में। तो आपको थ्योरी वाले स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया क्या क्या करना है। अब प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स की बात मैं करती हूँ, उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी में देती हूँ रॉयल्टी अकाउंट की। अगर आपको रॉयल्टी अकाउंट आता है तो आप सबसे पहले रॉयल्टी करिए, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी में देती हूँ आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट, आप करके जाइए, ठीक है। तीसरी प्रायोरिटी में आपको बोलती हूँ डबल अकाउंट सिस्टम करके जाइए, डबल अकाउंट सिस्टम मतलब ये वाला, ठीक है, डबल अकाउंट सिस्टम करके जाइए। और फोर्थ प्रायोरिटी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को बोलती हूँ, क्योंकि इससे इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या आया था, दोनों ही प्रैक्टिकल आए थे,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल है आपके लिए, प्लीज़ लाइक करिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राई करूँगी कि ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूँ। अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन का ज़रूर दबाइए कि जल्दी से आपके पास क्या आ जाए, क्वेश्चन पेपर आ जाएगी इस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।